पर दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं ड्रिलिंग और उसके प्रिंसिपल की। ड्रिलिंग क्या होती है और उसका बेसिक प्रिंसिपल आपके पास क्या है। सबसे पहले ड्रिलिंग क्या होती है दोस्तों, इट इज ए प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग होल्स। ये किस तरह का एक प्रोसेस है, वे है, एक रास्ता है जिसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, होल प्रोड्यूस करते हैं, यानी होल मेक करते हैं, होल्स बनाते हैं। वो होल आपके पास कैसा भी हो सकता है, ये सिंपल आपके पास सर्कुलर होल हो सकता है या आपके पास वो कोई डिफर साइज का होल हो सकता है, वो डिपेंड करता है आपके पास ड्रिल की बिट किस तरह की है। विद द हेल्प ऑफ ए मल्टी टूथ टील, एक मल्टी टूथ टूल होता है आपके पास जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ड्रिल बोलते हैं। तो आपके पास ड्रिलिंग वो प्रोसेस है जिसके द्वारा हम लोग होल्स प्रोड्यूस करते हैं, और जो होल प्रोड्यूस करते हैं वो एक मल्टी टूथ टूल टूल की सहायता से होता है जिसको हम लोग ड्रिल बोलते हैं या ड्रिल की बिट बोलते हैं। तो ये था दोस्तों आपके पास ड्रिलिंग। इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या कहता है आपके पास, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ड्रिलिंग मशीन शो फ्रॉम फिगर। इस फिगर में आपके पास क्लियरली शो कर रखा है दैट ए रोटेरी एज वेल एज रेसिप्रोकेटरी टूल, एक रोटेरी और वो आपके पास रेसिप्रोकेटरी, या रोटेरी से मीनिंग आपके पास जो सर्कुलर रोटेट कर रहा है और रेसिप्रोकेटरी मतलब अप एंड डाउन आपका मूव कर रहा है। तो वो टूल आपके पास जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ड्रिल, नेम एज ड्रिल। रिमूव एक्सेस मटीरियल, जो एक्सेस जो आपके पास अनवांटेड मटीरियल है उस मटेरियल को आपके पास रिमूव करे और होल प्रोड्यूस करे, जो कि आपके पास एक्सेस मटेरियल को रिमूव कर दे और होल को जो है प्रोड्यूस होल बना दे, मेक कर दे। इन ए स्टेशनरी वर्कपीस, और सबसे बड़ी कंडीशन क्या होती है, वर्कपीस आपके पास इसमें क्या रहेगा, स्टेशनरी रहेगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे दोस्तों, ड्रिलिंग का प्रिंसिपल। जैसा आपके पास फिगर में दिखाया हुआ है कि आपके पास एक ये वर्कपीस है, इस वर्कपीस में आपके पास यहाँ पे हम लोग होल प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो ये कहता है कि आपके पास जो वर्कपीस है इस वर्कपीस को बेसिकली हम लोग स्टेशनरी रखते हैं। स्टेशनरी से मीनिंग यहाँ पे एक जगह फिक्स, जो कि आपके पास कहीं पे भी मूव नहीं करता है। तो ये आपके पास वर्कपीस आपका स्टेशनरी रहेगा, जबकि आपके पास जो ये ड्रिल की बिट है, टूल जो लिखा हुआ है, टूल या इसको हम लोग ड्रिल की बिट बोल सकते हैं, तो ये आपके पास इस तरह से रोटेशन करेगी, इस तरह से घूमेगी, और फीड का मोशन से मीनिंग अप एंड डाउन आपका ये मूव करेगी। तो इस तरह से हम लोग ड्रिल की बिट की सहायता से होल प्रोड्यूस कर सकते हैं, और वही इसका बेसिक प्रिंसिपल इसमें शो कर रहा है कि होल जो है प्रोड्यूस करने के लिए हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे जो वर्कपीस है उस वर्कपीस को तो फिक्स रखना है। नीचे ये इंडिकेट भी कर रहा है कि फिक्स वर्कपीस, तो वर्कपीस को आपके पास स्टेशनरी रखना है, जबकि आपके पास जो ड्रिल की बिट है उसको मूव भी करवाना है, यानी रोटेरी मोशन भी देना है, और प्लस में आपके पास वहां पे उसको फीड भी देना है। तो फीड से मतलब अप एंड डाउन, तो अप एंड डाउन से मीनिंग यहाँ पे क्या है कि जो फीड मैकेनिज्म्स, जो आज के दिन आपके पास सारे के सारे जो फीड मैकेनिज्म्स है, वैसे तो सीएनसी मशीन में सारा ऑटोमेटिक रहता है, लेकिन अगर वो ऑटोमेटिक मशीन नहीं है तो पावर फीडर आ गए, जिन पावर फीडर्स की सहायता से हम लोग पावर का जो फीड है जो ड्रिल की बिट उसको नीचे की साइड मूव करते हैं, तो वो रेसिप्रोकेट हो जाती है, अप एंड डाउन आपके पास टू एंड फ्रो मोशन में आपके पास वो मूव हो जाती है। तो इस तरह से ये आपके पास था आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक ड्रिलिंग, ड्रिलिंग क्या है मतलब, और ड्रिलिंग का बेसिक प्रिंसिपल आपके पास क्या होता है। तो थैंक यू दोस्तों।